बुलडोजर लेके आ गए जी आप लोग, क्या क्या इरादा क्या है? पार करवाने के लिए भी हम लोग बुलडोजर बाबा को ला रहे हैं। अब जो जो पार करने में रोक लगाता था ना, उसका घर में बुलडोजर चलेगा। झारखंड में 5 साल हेमंत सरकार इतना करप्शन कर दिया ना कि यहाँ के 3.5 करोड़ जनसंख्या को हम लोग को बुलडोजर बाबा को बीजेपी की सरकार लाने पर मजबूर हो गई है। पूरे झारखंड में भारी मतों से अगर कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो श्रीमान रोशनलाल चौधरी हुए। जो रंगबाजी करते हैं, गुंडे करते हैं, मजदूरों का हक मारते हैं, उनके घर पर, उनके जमीन जायदाद पर बुलडोजर चलेगा। झाड़ू लगा के मोदी जी बोलते थे कि कचरा साफ करेगा, आप लोग तो बुलडोजर लेकर आ गए। तो वो ऐसा ना कि 5 साल हम लोग देखे उस टाइम बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, तो हम लोग सोचे हाथ से साफ तो होगा नहीं, तो बुलडोजर लेकर चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ जबरदस्त बुलडोजर का मांग होता है। अभी तक जितना भी मुख्यमंत्री बना है ना, उसमें से मैं सबसे भ्रष्टाचार करप्ट अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो हेमंत सरकार इतिहास में लिखा जाएगा। इस बार लहरा बड़का गांव विधानसभा में माननीय रोशनलाल चौधरी को भारी मतों से हम लोग विजय बनाने का संकल्प लिए हैं। यही जेसीबी से विजय जुलूस निकालना पूरे बड़का गांव विधानसभा। गाड़ी नहीं चलेगा, एकदम फोर व्हीलर चलेगा, पूरा बुलडोजर बाबा चलेगा। ऐसा नहीं कि आज प्रोग्राम देख के अम्बा प्रसाद के हार्ट अटैक हो जाए। अमन कुमार जी को हम लोग अच्छा आदमी समझते थे, मगर जो स्थिति अभी झारखंड की बनी हुई है उसमें वो गलत काम किया। उनको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था, उनको अपना कैंडिडेट को साथ देना चाहिए था। झारखंड में देखिए आपका लालू यादव को क्या हाल हो गया, जिंदा हो मर के भी जिंदा हो गया। मधु कड़कराज में क्या हो पता है, वो अपने आप माला माल बने, समझे ना, यानी स्वयं बने। पर हेमंत सरकार के राज में जितने भी है ना झारखंड के, उसका मंत्री मंत्री सीईओ और सरकारी विभाग का ब्लॉक लेवल का आदमी साहब सब का माला माल मानते हैं कि मधु कोड़ा माला माल हुए। हेमंत सोरेन के सरकार में देखिए लगा लिए काका, देखिए हेमंत सोरेन सरकार में आलमगीर आलम जो कांग्रेस के नेता है उसके नौकर के लोकर में अरबों खरब रुपया निकलता है। नौकर के लोकर में, नौकर के लोकर में अरबों खरब रुपया, और गरीब के पास में मुद्रा नहीं। जितना भी सरकारी विभाग का आदमी था ना सब माला माल हो गया इसका दम सरकार में। ताला टूटेगा, जेसीबी छाप घुसेगा अंदर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये बड़का गांव विधानसभा है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद आने वाले हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे उनके स्वागत के लिए बुलडोजर बुलाए गए हैं, जेसीपी बुलाए गए हैं और सुबह से लेकर अभी तक सब उनको बुलडोजर बाबा के नाम से बुला रहे हैं। और लोगों का देखिए हुजूम, देखिए अगर इस तरफ देखेंगे आपको तो पूरा हुजूम है। योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग आए हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं और ये बुलडोजर लेके पीछे से खड़े हैं। बुलडोजर लेके आ गए जी आप लोग, क्या क्या इरादा क्या है? इरादा यही है कि बाबा का स्वागत में हम लोग पूरे बुलडोजर की तैयारी के साथ में आए हैं। हमारे बड़का गांव के धरती पे पहला बार आगमन है तो जाहिर सी बात है कि कुछ बढ़ चढ़ के तो करेंगे ही। तो क्या करना है बुलडोजर से, क्या करना? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, आपकी बार झारखंड बदलना है और बुलडोजर बाबा बदलाना है। तो बुलडोजर से घर टूटता है या खुदता है, करना क्या? भी है बहुत जल्दी बाबा जो जीत रहे हैं यहाँ से चुनाव बीजेपी से, बाबा जीत रहे हैं, बाबा नहीं बीजेपी, बीजेपी जीत रहा है। जेसीपी उसीपी लेके आ गए, क्या इरादा क्या है, इतना इतना जेसीपी करना क्या? याद है इरादा ये है कि झारखंड में इतना गुंडा तत्व है, जो यूपी में आप हाल देख रहे हैं वही हाल झारखंड में होने वाला है। बलुआ भी एकरेस निकालो थे, बलुआ तो निकालेगा, वो तो विकास के काम है। जो रंगबाजी करते हैं, गुंडे करते हैं, मजदूरों का हक मारते हैं, उनके घर पर, उनके जमीन जायदाद पर बुलडोजर चलेगा, एकदम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। कहाँ से आए? पिपरवार। और आप? बड़का गाँव। लेकिन स्वागत करने का ये नया तरीका ढूंढ लिया आप लोग, बुलडोजर जैसे पी उठा लिया है। बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ जबरदस्त बुलडोजर का मांग होता है। आप तो पूरा लग रहे हैं एकदम टोपी और भगवा रंग से, पूरा भगवा खाली सटवा व्हाइट है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार बड़का को बदलना है, भगवा कर देना है, पूरा भगवा कर देना है, पूरा भगवा कर देना है। तो जेसीपी का क्या काम? भगवा तो अलग चीज हो गया, जेसीपी का क्या? जेसीपी है काम है ये जो गंदगी को हटाने का, जेसीबी से, जेसीबी से जो नीचे लोग के तत्व जो अभी कोयला बालू
ये सब चोरी कर रहे हैं, उन लोग को सबको हटाना है, सबको हटाना है, सबको हटाना है। झाड़ू लगा के मोदी जी बोलते थे कि कचरा साफ करेगा, आप लोग तो बुलडोजर लेकर आ गए। तो ऐसा ना कि 5 साल हम लोग देखे उस टाइम बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, तो हम लोग सोचे हाथ से साफ तो होगा नहीं, तो बुलडोजर लेकर चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और जगह जगह पर बहुत ज्यादा उन लोगों ने कचरा कर रखा है ना पिछली सरकार, तो उसको सफाई करने के लिए हम लोग बुलडोजर लेकर आए हैं। बुलडोजर साफ कर देना, बुलडोजर से साफ करेंगे। बताइए, झारखण्ड में 5 साल हेमंत सरकार इतना करप्शन कर दिया ना कि यहाँ के 3.5 करोड़ जनसंख्या को हम लोग को बुलडोजर बाबा को और बीजेपी को सरकार लाने पर मजबूर हो गई है। पूरा हर सिस्टम में सरकार फेल हो गया, हेमंत सरकार। और अभी तक जितना भी मुख्यमंत्री बना है ना, उसमें से मैं सबसे भ्रष्टाचार करप्ट अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो हेमंत सरकार इतिहास में लिखा जाएगा। कैसे कैसे इतना घपला करबे किया ना, हर विभाग में घपला किया है। इसका जरा सा भी नियत ना कि यहाँ के लोगों को विकास करे, कल्याण करे, सड़क बनावे, रोजगार रोटी दे, बस खाली अपना जेब भरने पर लगे रहे और अपना फैमिली सेटलमेंट करने पर रहे, और उसका मंत्री उन्त्री सारा सब एकदम पैसा हड़पने पर लग रहे। छोटा सा छोटा चीज का कमीशन इन लोग का मंत्री सीएम पर जाता था, हर जितना भी सरकारी विभाग का आदमी था ना, सब माला माल हो गया इसका एकदम सरकार में। और जनता सरकारी आदमी बिल्कुल सब जगह कमीशन खुशखोरी चल रहा है। तो वही अधिकारी तो रघुवर दास के टाइम पे भी थे, वैसा उसका समय इतना टाइट काम हुआ है ना, उतना कभी नहीं हुआ था झारखंड में। सबसे बेहतरीन काम हुआ रघुवर दास के सरकार में। बोलते हैं कि बड़का गांव में तो रघुवर दास के सरकार के टाइम पे ही गोली चला। तुत्ती बोलता था रघुवर दास के सरकार, गोली तो बड़का गांव में रघुवर दास के टाइम पे, गोली रघुवर दास के टाइम में नहीं बना था, रघुवर दास हट गए थे उसके बाद गोली चला था इन लोग के सरकार में। ठीक है, सरकार में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी उन्हीं की सरकार में। जी हाँ, चलिए। तो ये बुलडोजर बाबा लेकर आए हैं, बुलडोजर वाले है कहाँ, लेकिन चालू कहन करवा रहे आप लोग? चालू करेंगे जब बाबा का एंट्री होगा, तो बुलडोजर अपने आप चालू हो जाएगा। अभी जिंदाबाद कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोश लेके आ गए हैं। का इरादा, का करने का इरादा? लहरा बड़का गांव विधानसभा में माननीय रोशनलाल चौधरी को भारी मतों से हम लोग विजय बनाने का संकल्प लिए हैं। यही जेसीबी से, यही जेसीबी से विजय जुलूस निकालना पूरे बड़का गांव विधानसभा। गाड़ी नहीं चलेगा, एकदम फोर व्हीलर चलेगा, पूरा बुलडोजर बाबा चलेगा, पूरे ऑल झारखंड में बुलडोजर बाबा चलेगा। पूरे झारखंड में भारी मतों से अगर कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो श्रीमान रोशनलाल चौधरी हुए। क्या बात कर रहे हैं, बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से जुलूस भी आप लोग निकाल, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आज ऐसा नहीं कि रात में अंबा प्रसाद को हार्ट अटैक आ जाए, जी अंबा प्रसाद को आज रात में हार्ट अटैक मत आ जाए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि आज प्रोग्राम देख के अंबा प्रसाद के हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है ना, एकदम ऐसा, क्योंकि एनडीए के हर एक कार्यकर्ता तैयार हैं भारी मतों से रोशनलाल चौधरी को रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए। एकदम जिताना है, बिल्कुल बिल्कुल, हार नहीं मानना है, कुछ नहीं। चलिए, तो ये पार करवाने के लिए भी हम लोग बुलडोजर बाबा को ला रहे हैं। अब जो पार करने में रोक लगाता था ना, उसका घर में बुलडोजर चलेगा। अरे तो बोल रहे हैं अमन कुमार आ गए हैं। अमन कुमार तो अपना स्वार्थ देख करके आ गया, उसको तो अभी आना ही नहीं चाहिए था, उसको वेट करना चाहिए था। वो काम कर रहा था बढ़िया, उसको इंतजार करना चाहिए था। काम का फल एक बार तुरंत नहीं मिल जाता है, इंतजार करना पड़ता है तब फल मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, बस वही। अमन कुमार जी को हम लोग अच्छा आदमी समझते थे, मगर जो स्थिति अभी झारखंड की बनी हुई है उसमें वो गलत काम किए। उनको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था, उनको अपना कैंडिडेट को साथ देना चाहिए था। भैया इंतजार कीजिएगा ना तो खाइएगा तो अच्छा लगेगा। आप सोचिएगा हड़िया चढ़ा हुआ है, निकाल के खा ले तो मुंह जल जाता है। वोट आप ही लोग का काटेंगे? अरे हम लोग कैसे काटेंगे, हम लोग बच्चा है, आप लोग का ही वोट काटेंगे। नहीं, नहीं मिलेगा उनका वोट, उनको वोट नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। वो भरम में है, भरम को अपना घर से वोट नहीं मिलेगा, अपना घर से, अपना घर से भी वोट नहीं मिलेगा। घर का हजारीबाग से थोड़ी ना आएंगे वोट करने के लिए, यहाँ की बात है। कैंडिडेट दूसरा जगह का, दूसरा जगह चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा, ये सोचने वाली दूसरे जगह साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता इस बार समझ चुकी है, जान चुकी है अच्छा तरह से। सरकार आने के बाद में जेल का दरवाजा खुला है, ये माननीय अभी जो विधायक है, वर्तमान विधायक, इसके बाद दरवाजा खुला है, हमारे सरकार झारखंड में आने आ रहा है, बीजेपी का है, जेल में डालिएगा, जेल में। माँ बाप सब जेल में घुसा तो हमारी बेटिया कहाँ रहेगा, बोलते आंदोलन किया, जेल में रहेगा ना,
दरवाजा इसलिए खुला है, कारा कूटा हिसाब किताब करके ना जेल जाएगा भैया, तभी सजा ज्यादा होगा ना। आप लोग भी तो मधु कोड़क ले आए, मधु कोड़क ले आए हैं ना, मधु कोड़क रिकॉर्ड बता दीजिए ना, वैसा कोई रिकॉर्ड है तो झारखंड में सबसे बड़ा करप्शन अगर किया है उन्होंने तो सबसे ज्यादा। आप देख लीजिए ना, मोदी के राज में लालू जादू, एक सेकंड, मोदी के राज में लालू जादू जो चारा घोटाला किया उसको तो जिंदगी, चारा घोटाला से भी बहुत बड़ा घोटाला है मधु कोड़क का, कोई रिकॉर्ड बता दीजिए, कोई कोर्ट साबित कोर्ट डिसीजन साबित किया, चुनाव नहीं लड़ते। देखिए झारखंड में देखिए आपका लालू जादू को क्या हाल हो गया, जिंदा हो मर के भी जिंदा हो गया कौन, मगर फिर भी अपना वजूद नहीं है। मधु कोड़क राज में क्या हो पता है, वो अपने आप माला माल बने, समझे ना, यानी सोए बने। पर हेमंत सरकार के राज में जितने भी है ना झारखंड का, उसका मंत्री उन्त्री सीईओ और सरकारी विभाग का ब्लॉक लेवल का आदमी सब सबका माला माल मानते हैं ना कि मधु कोड़ा माला माल हुए, वो अपने लिए हुए ना, वो अपने खाए, बाकी हेमंत सरकार सबको ढकार किया गया। आने वाले को मोदी जी अपने मंच पे मत जगह दे रहे हैं। किसको? मधु कोड़ा को। अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें, सब लोग तो मंच साझा कर रहे हैं, उतना थोड़ा बहुत होता है हर राजनीति का। उनको भरमा रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं, बोल रहे ना, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मधु कोड़ा किए, मधु कोड़ा किए नहीं, मधु कोड़ा से इंडिया गठबंधन जो था उस समय घपलाबाजी करके उनसे साइन करवा के फोर्जरी काम किया। किसने करवाया? इंडिया आपका कांग्रेस और जेडी और जेएमएम वाले लोग, यही लोग ने करवाया, यही लोगों ने करवाया है, जी हाँ समझे। लेकिन फिर भी करप्शन का तो चार्ज हुआ ना उनके ऊपर, कोर्ट ने कोर्ट सुने मेरे, एक बार सुने, कोर्ट ने तो उनके ऊपर लगा दिया ना कि आजीवन नहीं लड़ सकते चुनाव, अभी भी उन्होंने अभी भी वो कोर्ट गए थे, अभी भी कोर्ट बोले कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो साबित तो हो गया ना, अभी साबित नहीं हुआ है, अभी कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, साबित उन पर नहीं हुआ है। हम लोग जहाँ तक देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं मधु कोड़ा जी के, बहुत सीधा व्यक्ति है, ठीक है ना, और इन्होंने अपना काम किया, जो पेपर आप ले जाके देते थे ये लोग साइन करवाता था, आंख बंद करके क्योंकि करवाया जाता था, क्योंकि आदिवासी नेता थे बेचारे, पहली बार चुन के आए थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनको पूर्वक बना के जेएमएम जेडी और कांग्रेस के सरकार ने करवाया है, मतलब आप ऐसा करवाया गया है, ये आरोप लगा। हाँ चलिए, हेमंत सोरेन के सरकार में देखिए लगा लिए, हाँ देखिए हेमंत सोरेन सरकार में आलमगीर आलम जो कांग्रेस के नेता है उसके नौकर के लोकर में अरबों खरब रुपया निकलता है, नौकर के लोकर में, अरे नौकर के पास, नौकर के लोकर में अरबों खरब रुपया, और गरीब के पास में मुद्रा नहीं, तो यही मुद्रा लेके आए हैं योगी बुलडोजर बाबा, तोड़ना है तो एकदम फुल रिकॉर्ड तोड़ना है, लोकर तोड़ना है एकदम, सबका लोकर तोड़ेगा, दरवाजा खुल रहा है वर्तमान विधायक का, जेल का दरवाजा, और हिसाब किताब के साथ में, और फुल रिकॉर्ड की सजा इतना होना कि केस के दरवाजा इसका केस उड़ जाएगा, उसके बाद आगे की नीति देखा जाएगा, हमारा बिल्डोजर बाबा आने के बाद, जेल का ताला टूटेगा, जेसीबी छाप घुसेगा अंदर झारखंड में। चलिए तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए ये जेसीपियां खड़ी हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।